गोरखपुर लोकसभा सीट पर काजल निषाद ने बढ़ाई रवि किशन की मुश्किलें। काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। दोनों भोजपुरी स्टार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा। काजल निषाद जिस तरह से गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से गोरखपुर की जनता का समर्थन काजल निषाद को मिल रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की रवि किशन की राह आसान रहने वाली नहीं है। गोरखपुर लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद है। जिस तरह से काजल निषाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से उन्होंने दिन रात एक कर दिया है, 2024 लोकसभा चुनाव में रवि किशन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। काजल निषाद एक जमीनी नेता मानी जाती है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर निषाद समाज की वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2024 लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा और बीजेपी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है गोरखपुर लोकसभा सीट पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट को कौन जीतेगा।